वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपको एक बार फिर से MSCMS क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, MSCMS प्रीवियस ईयर के लिए टेंसर एनालिसिस जो है उसको अपन पढ़ रहे हैं, जिसकी यूनिट फिफ्थ जो है उसको अपन ने स्टार्ट कर दी है। और यूनिट फिफ्थ में हमने क्रिस्टोफर सिंबल्स और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करे थे। आज अपन उसी का एक और पार्ट करेंगे, जिसमें अपन रिकीज थ्योरम जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसका जो प्रोनंसिएशन है वो आप अपने लेवल पर कर सकते हैं, बाकी रिकीज थ्योरम जो इसको यहाँ पे बोलते हैं। देखिए, टेंसर एनालिसिस की जब आप बुक देखते हैं तो ये टेंसर एनालिसिस की बुक है। इसमें देखो, क्रिस्टोफेल सिंबल्स जो है ना उसकी डेफिनेशन साथ में दे रखी है। ये फर्स्ट काइंड के लिए होती है और ये सेकंड काइंड के लिए होती है ना। तो पूरा ही इसमें क्रिस्टोफेल सिंबल्स के बारे में अपने को पढ़ना होता है। चैप्टर नंबर 3 जो है इसका, उससे अपनी यूनिट फिफ्थ जो है वो बनती है, और चैप्टर नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड से मिल करके यूनिट फोर्थ बनती है। तो आज अपन इसको थ्योरम जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ते हैं और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो हैं वो भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि ये जो क्वेश्चन है आपसे 12, 14, 16, 17 में पूछा गया है, ठीक है। 12, 14, 16 और 17 में कंटिन्यू आपसे पूछा गया है। पूछने का जो तरीका था वो ये था कि स्टेट एंड प्रूव रिकीज थ्योरम, पहला तरीका ये था। दूसरा, आपको ये स्टेटमेंट गिवन होगा, उसके बाद में आपको इसको प्रूव करके बताना होता है। तो आपको जो स्टेटमेंट है आपको ये भी याद रखना है, और इसको वेल डिफाइन कैसे करते हैं ये तो याद रखना ही है। कहा गया है कि द फंडामेंटल टेंसर GIJ, ये जो IJ वाला है ये इसके बेस में है, थोड़ा सा ध्यान रखना इसको। जी की पावर IJ एंड डेल J, यहाँ पे कहीं J है और पावर में I है, ऑल आर कोवेरेंटली कॉन्स्टेंट, ठीक है। क्या है? कॉन्स्टेंट होने चाहिए, कोवेरेंटली कॉन्स्टेंट होने चाहिए। ये जो फंक्शन हमें दिए गए हैं फंडामेंटल टेंसर, ये कॉन्स्टेंट होने चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, थ्योरम में गिवन है, उसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। यहाँ पर बता देता हूँ मैं आपको, द कोवेरेंटली ऑफ द फंडामेंटल टेंसर GIJ एंड G की पावर IJ डेल JI ऑल आइडेंटिकली, और इन अदर वर्ड्स द फंडामेंटल टेंसर आर कन्वर्सली कॉन्स्टेंट। भाई यही गिवन था हमें, ठीक है। और एक दूसरे तरीके से अगर मैं एक बात और यहाँ पर बोलूँ, तो ये वाला जो चीज़ मैंने यहाँ पे लिख रखी है ब्लू पेन से, ये भी क्या है, ये भी रिकीज थ्योरम की एक तरीके से स्टेटमेंट कह सकते हैं अपन, है ना। आप चाहो तो ये वाला स्टेटमेंट भी यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमें स्टेटमेंट में गिवन है। इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास हमें तीन प्रॉपर्टीज़ जो है वो यहाँ पर अप्लाई करनी होंगी। पहली प्रॉपर्टी क्या है वो देखिए, जो हमारी पहली प्रॉपर्टी है वो गिवन है कि GIJ, तो ये बेस था GIJ। हमें थर्ड प्रॉपर्टी और चाहिए तो उसको हमने K ले लिया, इक्वल टू डेल GIJ अपॉन डेल X की पावर K माइनस डेल R, कोई कॉन्स्टेंट मान लिया RJ, ओके तो ये जो बेस है, बेसमेंट ये यहाँ पर रहेगा, जे यहाँ पर आ गया तो आई और जे अंदर रहेगा, माइनस IR, क्योंकि यहाँ पर आई और जे की बात हो रही थी फंडामेंटल जो अपने सिंबल्स हैं उसमें, तो पहले हमने जे को ले लिया, उसके बाद में हमने आई को लिया आर, तो यहाँ पर आर और जे और के यहाँ पर रहेगा, ओके। देन जो हमारी क्रिस्टोफेल सिंबल्स की पहली प्रॉपर्टी थी, ठीक है, तो उस प्रॉपर्टीज के अंदर अकॉर्डिंग अपन क्या कर सकते हैं कि ये जो टर्म्स है ना, इसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं IJ एंड K, ओके। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, JK और I। इसमें ये जो फंक्शन हमारे पास हैं वही लिखा हमने, ठीक है। I और K था तो I और K एडिस रखा, यहाँ पर जो R है इसको हमने रिप्लेस किया है J के अंदर, ठीक है, तब ये J हुआ यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पर ये J एंड K है, यहाँ पर जो R है इसको रिप्लेस किया I के अंदर। ये प्रॉपर्टीज होती है अपनी क्रिस्टोफेल सिंबल्स की, पहले जो प्रॉपर्टी है वो, ठीक है। और ये जो है ये वैसा वैसा कैसा रहेगा, इसकी वैल्यूज आप देख पा रहे होंगे, ये कुछ थोड़े से स्क्यू साइमेट्रिक की तरह दिख रहे हैं, तो यहाँ से इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, ये एज इट इज रहेगा, इनकी जो वैल्यू है वो ये हो जाएगी प्रॉपर्टी 2 से। जो क्रिस्टोफेल सिंबल्स की प्रॉपर्टी 2 है जो हमने वेल डिफाइन करी है, उसके अकॉर्डिंग इस वाले फंक्शन को हम ये लिख सकते हैं। इसमें से ये दोनों देखने में शक्ल में एक जैसे दिख रहे हैं, तो इनकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो ये हमारी पहली प्रॉपर्टी होगी। दूसरा जो हमारा सिंबल्स दे रखा था, दूसरा हमारा जो टेंसर फंडामेंटल टेंसर है वो क्या है, जी की पावर IJ, यही तो था जी की पावर IJ।
हमने बेसमेंट में कोई के ले लिया, इसको हमने कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, डेल जी की पावर आई जे अपॉन डेल एक्स की पावर के प्लस आर कोई फंक्शन ले लिया, जी आर जे, भाई आई और जे के हो रहे तो पहले जे आई आर के प्लस जी की पावर आई आर, यहाँ पे जे ले लिया तो यहाँ पर आई ले लिया, जे आर एंड के। ओके यहाँ पर हम प्रॉपर्टी, अच्छा ओके इसको हम क्या लिख सकते हैं पूरे फंक्शन को, ये एदि सच रहेगा, इसको ये लिख सकते हैं, ये है हमारी कोई प्रॉपर्टी नंबर 3 जो कि स्टेपल सिंबल्स है, उसकी प्रॉपर्टी नंबर 3 के अकॉर्डिंग हम इसको ये लिख सकते हैं। और जैसे हम इसको ऐसे लिखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब ये मत बोलना कि सर ये प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या होती है, प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या होती है, ये मैं आपको करवा चुका हूँ क्रिस्टोफेल सिंबल्स की डेफिनेशन, और उसकी 4 प्रॉपर्टी हैं टोटल। हर साल एग्जाम के अंदर 4 में से कोई 2 प्रॉपर्टी, कोई एक प्रॉपर्टी तो 101% पूछी जाती है, तो इन प्रॉपर्टीज़ को ढंग से पढ़ लेना। मैंने आपको प्रॉपर्टी नंबर 1 नहीं करवाई है, बाकी प्रॉपर्टी नंबर 2, 3 एंड 4 करवाई है, क्योंकि प्रॉपर्टी नंबर 1 छोटा सा है 2 लाइनों का, उसमें कुछ था ही नहीं, मतलब ऐसा होता है ऐसा उन्होंने बताया है। तीसरा जो हमारा फंडामेंटल टेंसर है वो क्या है, डेल की पावर आई बेस ऑफ जे, ठीक है। हमने के कोई अनदर फंक्शन ले लिया, इसको हमने कुछ इस तरीके से दिखाया, यहाँ पर जैसे जी आई आर था उसी प्रकार यहाँ पर इसको इस तरीके से दिखाएंगे, सेम प्रॉपर्टी ऑफ 3 से, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, आई और ये जो एल है इसको हमने किस में रिप्रेजेंट कर दिया, यहाँ पर जे में, एल को हमने जे में, यहाँ से हम क्या करेंगे, ये जो आई है इसको हमने सॉरी एल जो है इसको रिप्लेस कर दिया आई से, ओके आ रहा समझ, अब नहीं भी आ रहा तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता, पता है क्यों, क्योंकि प्रॉपर्टीज अगर आपको याद हैं तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। सिमिलरली यहाँ से आप देखोगे तो ये शक्ल में एक दूसरे के जैसे दिख रहे हैं, एक प्लस का दिख रहा है एक माइनस का दिख रहा है, देन दिट इज़ ब्रेक, ये यहाँ से कटेगा और बचेगा सिर्फ ये वाला फंक्शन, तो इसको हमने यहाँ पे ये लिख दिया प्रॉपर्टी यूजिंग ऑफ कोरोनोक्लियर डेल्टा, तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। जैसे 0 हो जाएगी तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि डेल की पावर आई अपॉन सॉरी जे इज़ ए कॉन्स्टेंट आइदर 1 और 0 के लिए, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जी आई जे और के इक्वल टू 0 होगा, देन डेल ऑफ आई जे एंड के इक्वल टू भी 0 होगा, और यहाँ से डेल की पावर आई या फिर इसको जे एंड के में कन्वर्ट करें तो ये भी क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। ये हमारा पहला, यहाँ तक आप देख पा रहे होंगे ये हमारा पहला फंडामेंटल टेंसर था, ये वाला जो था ये दूसरा था, ठीक है। यहाँ पर ये जी होगा, सॉरी डेल नहीं, यहाँ पर ये जी होगा, एंड दिस इज आवर थर्ड फंडामेंटल टेंसर इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम ये बता सकते हैं कि ये क्या है, कन्वर्सली कॉन्स्टेंट होंगे, ठीक है। दिस शो दैट टेंसर जी आई जे जी की पावर आई जे एंड डेल आई जे आर कन्वर्सली कॉन्स्टेंट, ठीक है, यही हमें बताना था। तो छोटी सी थ्योरम है हमारी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक बार आप इसको ध्यान से देख लेना, ठीक है। कुछ समझ ना आए तो आप बुक से भी देख सकते हो, और नहीं आए तो कमेंट कर देना, फिर बता देंगे वापस से, ठीक है साथियों। तो ध्यान रखना है इसको, रिक्चिक थ्योरम को, क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ एक दो क्वेश्चन जो है हम यहाँ पे करेंगे, तो आने वाली क्लास में इससे रिलेटेड एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू सो मच, बाय बाय।